एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडुपत आचार्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम समझेंगे 12 अनुसूचियों को जो भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित है। अनुसूची नंबर 1 के अंतर्गत क्या है, देश, राज्य और आपके केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची, भाई चार लोग जहाँ पर निवास करेंगे वहीं पर सभा का आयोजन किया जा सकता है, तो आपकी राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। पाँचवीं अनुसूची अक्षर नंबर जो 5 है उसका अगर कुछ जो है एस के समान दिखाई देता है तो आपके जो पांचवी अनुसूची है वो एससी एसटी से संबंधित है। और उसके बाद में बात करें तो छठी अनुसूची आपके असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की जो है क्या करती है, विशेष राज्यों के प्रावधान का दर्जा देता है, ठीक है। फिर बाद में बात करें सातवीं अनुसूची आपकी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। आठवीं अनुसूची भारतीय मानक भाषाओं से संबंधित है। नवीं सुधार बिल से संबंधित है। आपकी दसवीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ग्यारहवीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था संबंधित है। और बारहवीं अनुसूची आपके नगर निगम से संबंधित है। धन्यवाद।